दोस्तों बजाज फाइनेंस का तो आपने नाम सुना ही होगा। दोस्तों बजाज फाइनेंस एक शोर कंपनी है, ऐसा मैंने कह रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके सिर्फ एक ही बात को बोला है कि बजाज फाइनेंस शोर कंपनी है, बजाज फाइनेंस ने मेरे साथ ऐसा किया, बजाज फाइनेंस ने मेरे साथ ये पेनल्टी लगा दी, बजाज फाइनेंस का मैंने पूरा पेमेंट कर दिया फिर भी मेरे अभी भी पेमेंट ड्यू दिखा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे बजाज फाइनेंस शोर कंपनी है, और अगर आपने भी बजाज फाइनेंस से लोन ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं तो इस वीडियो को आप भी लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने अभी तक लोन नहीं लिया है तो भी आप इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि आपको लोन लेना चाहिए या कोई भी ईएमआई करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बजाज फाइनेंस आखिर है क्या। दोस्तों बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो आपको जीरो डाउन पेमेंट के ऊपर और जीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको कोई भी प्रोडक्ट किस्तों में यानी कि ईएमआई के थ्रू आपको देती है। जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक वस्तु या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक शॉप पर जाते हैं तो अगर आप पूरा पेमेंट नहीं दे पाते तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। जब आप 10,000 का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको अगर 10 महीने के लिए ईएमआई करानी है तो आपको 1,000 रुपये हर महीने 10 महीने के लिए भरना है, जहां पे आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको पहले 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है आपके लिए कि आपको इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट लगता है, बहुत सारी कंपनियों में अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट लगता है वो बहुत हाई लगता है, ज़्यादा लगता है। ये कंपनी आपको जीरो इंटरेस्ट पे कोई भी वस्तु कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आपको दे देती है। दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जब आप किसी या तो ऑनलाइन खरीदते हैं या फिर ऑफलाइन खरीदते हैं, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तब अगर आपके बैंक अकाउंट में पहली ईएमआई अगर टाइम से आ गई, यानी कि बजाज फाइनेंस की जो पहली ईएमआई हर महीने की 2 तारीख को आती है, बजाज फाइनेंस की जो ईएमआई रहती है वो हर महीने की 2 तारीख को ही आती है, लेकिन जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपकी जो पहली ईएमआई आती है 1 महीने तक नहीं आती है, लेकिन दूसरे या तीसरे महीने में वो पहली ईएमआई जब आती है तब आपको ध्यान रखना है कि 2 तारीख से पहले आपको अपने अकाउंट के अंदर जो भी अमाउंट आपका जो ईएमआई का बना हुआ है वो अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में रखना है। अब बाई चांस अगर आपकी बजाज फाइनेंस से ईएमआई अगर 2 तारीख को नहीं करती है तो आपको तुरंत कॉल करके बजाज फाइनेंस में बताना है कि मेरे बैंक अकाउंट से ये पेमेंट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि उनको कॉल करके जो भी बता दिया तो उनकी तरफ से एक बंदा आएगा जो कि कैश में आपका पेमेंट लेके जाएगा। अगर आपकी तरफ से बाउंस हुआ है तो 350 चार्ज आपको जो बजाज फाइनेंस वाले वो चार्ज करते हैं और 295 आपको बैंक की तरफ से भी चार्ज लगेगा। तो दोस्तों अगर आपकी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो जो पहली ईएमआई में प्रॉब्लम होती है वहीं से आपको सीधा ऑफिस में जाना है, ऑफिस में कांटेक्ट करना है और वहीं से आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पहली जो ईएमआई रहती है वो बाउंस हो जाती है, यानी कि वो लोग बाउंस में गिनती कर देते हैं। फिर दूसरी ईएमआई भी आती है, अगर दूसरी ईएमआई भी अगर आपके बैंक अकाउंट से नहीं जाती है तो भी वो उसको बाउंस कर देते हैं। ऐसे में अगर 3 ईएमआई आपके अकाउंट से अगर बाउंस हो जाती है, यानी कि आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होती है और बाउंस हो जाती है, भले ही उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट बराबर पड़ा हुआ है, फिर भी अगर नहीं होता है वो लोग की प्रॉब्लम है तो भी आपका जो तीनों जो ईएमआई जो रहती है वो बाउंस में डाल देते हैं। फिर आपका जो अगर ईएमआई कार्ड आपको मिला हुआ है तो वो कार्ड को ब्लॉक कर देती है, फिर आपके सिविल स्कोर को ख़राब कर देती है। बस यही एक कारण है, बहुत सारे लोगों का जो भी पेमेंट ऐसा रहता है यही प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई थी, इसके लिए मेरा कार्ड जो ब्लॉक कर दिया, मेरा सिविल स्कोर को घटा दिया था, बहुत सारा डाउन कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। आज भी मेरा उसी की वजह से सिविल स्कोर डाउन है, हालांकि मेरा टोटल पेमेंट जो रहता है मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी वो लोग का जो ड्यू अमाउंट है वहाँ पे शो करता है। तो दोस्तों आपको यही ध्यान में रखना है। मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब एक प्रोडक्ट ख़रीदा, मैंने एक मोबाइल लिया था, तो जो पहली ईएमआई आती है वो बैंक से नहीं कटी तो मैंने कैश दे दिया। ऐसे ही करके 3, 4, 5 टोटल जो भी ईएमआई थी मैंने डायरेक्ट उनको कैश किया और बैंक में आती भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं ऑफिस में गया, बहुत जगह पे गया, लेकिन कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला और आज भी मेरा जो ईएमआई कार्ड है वो अनब्लॉक नहीं होता है, यानी कि उसको परमानेंट ब्लॉक कर दिया गया है। तो दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक यानी कि छोटी सी गलती की वजह से, वो लोग की बहुत सारी गलती रहती है, अपनी गलती उतनी नहीं रहती, लेकिन वो लोगों की वजह से ही आपके जो सिविल स्कोर को वो लोग डाउन कर देते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखना है आपको कि पहली ईएमआई आए तभी ही आपको ऑफिस में जाना है, क्लियर कर देना है, और आपको जो ईसीएस फॉर्म रहता है उसको ईसीएस
वापस दोबारा से ECS फॉर्म को भरा लेना है, फिर आपका कंटिन्यू बैंक से आना लग जाएगा। अगर आप 3 महीने तक नहीं देंगे तो फिर आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बजाज फाइनेंस के लोन नहीं लेते हैं। हालांकि गलती थोड़ी उनकी भी रहती है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, बजाज फाइनेंस से लोन लेके फिर वो EMI ऐसा जो प्रॉब्लम होता है तो वो कंपनी को बोलते हैं कि कंपनी चोर है। तो बस यही बातों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तो आपका जो है सिविल स्कोर ख़राब नहीं होगा। वैसे भी क्या होता है कि जब जीरो डाउन पेमेंट और जीरो इंटरेस्ट के साथ अगर कोई भी कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी तो कमाने का जो जरिया है वो बंद हो जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपनी को कभी कभी कंपनी वाले भी ऐसे ही बाउंस कर देते हैं, ऐसा प्रॉब्लम बीच में लाते हैं ताकि 350 चार्ज उनको हर कस्टमर से मिल सके। तो दोस्तों इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।